बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये भाजपा का महज चुनावी शगुफा है। जनता भाजपा की कथनी और करनी को बली भांति समझ चुकी है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक बलियोटिया ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि महज चुनावी शगुफा है बिंदु खत्ता को राजस्व गांव घोषित करना। बलियोटिया ने कहा कि दोहरे चरित्र वाली भाजपा सरकार एक तरफ सैन्य धाम की बात करती है तो वहीं दूसरी तरफ शहीद सैनिकों की वीरांगनाओं को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि 10 लाख रुपए न दिए जाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में उनके खिलाफ दावा पेश करती है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए ठीक चुनाव से पहले बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम की घोषणा में सम्मिलित करना एक सिर्फ चुनावी जुमला है। यदि सरकार ईमानदार है तो दमवाडुंगा को राजस्व ग्राम 2016 में बना दिया गया था। शहीद सैनिक उनकी जो वीरांगनाएं हैं उनको प्रोत्साहन राशि देने की बात 2016 में कांग्रेस की सरकार ने करी थी, लेकिन भाजपा की सरकार ने उस पर रोक लगाने के लिए उच्च न्यायालय से लेके सर्वोच्च न्यायालय तक में जो है चुनौती दी है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है इनका दोहरा चरित्र कि सरकार चुनाव से पहले कुछ बातें करती है लेकिन धरातल पे वो कभी नहीं उतरती, लोगों को गुमराह करने का काम करती है, सिर्फ चुनावी जुमला साबित होता है। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।